आज मैं बनाऊंगी एकदम नए तरीके से पूरी पिज़्ज़ा, जो बनाने में आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप कोई गेस्ट आए तब या फिर एज अ स्टार्टर या डिनर के लिए सर्व कर सकते हो। साथ में हम पिज़्ज़ा सॉस, स्टफिंग और पूरी बनाएंगे और बेक करके गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पूरी को सर्व करेंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माई जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा पूरी की पूरी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए एक कप मैदा ले लेंगे। मैंने यहाँ आधा आधा कप दो बार लिया है और 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी डालकर आटे में अच्छे से मोइन लगाएंगे। आप चाहो तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए, इस तरह मुट्ठी भर मोइन लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का कड़क आटा लगाएंगे और इतना आटा बांधने के लिए मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। देखिए, आटा बांध कर तैयार है और इस तरह हल्का कड़क आटा लगाएंगे। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। 2 टमाटर को रफली कट करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगानो, आधी टीस्पून चीनी, आधी टीस्पून नमक डालकर चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। देखिए, जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, 6 से 7 मिनट सॉस पकाने से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 6 से 7 बेसिल लीव्स को इस तरह कट करके ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो। देखिए, 10 से 12 मिनट में सॉस बनकर रेडी है। अब गैस बंद करके सॉस को हल्का ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने से ये सॉस और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसे आप 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। अब हम आटा भी चेक कर लेंगे और इस तरह अच्छे से एक बार मसल देंगे और इसमें से हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। देखिए, इस तरह मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे और इतने आटे में से हम 12 पूरी बना सकते हैं। अब एक एक लोई को इस तरह गोल गोल करके बेल देंगे और हमें पूरी बेलने के लिए सूखा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें मीडियम साइज़ की पूरी के जैसा ही बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटी पूरी नहीं बनाएंगे और इस तरह हल्की मोटी रखेंगे। अब फॉक की मदद से इस तरह पूरी में छेद कर देंगे, जिससे फ्राई करने वक्त फूलेगी नहीं। अब इस तरह सारी पूरी को बेलकर 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई कर लेंगे। पूरी को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी मीडियम रखेंगे। अब पूरी हल्की ड्राई हो जाने के बाद एक एक पूरी ऑयल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पलट पलट कर दोनों बाजू से फ्राई कर लेंगे। पूरी को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और एक बैच फ्राई होने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगी। देखिए, पूरी फ्राई हो चुकी है और इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे पलट पलट कर दोनों बाजू से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, पूरी इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बाकी की पूरियाँ भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी पूरी फ्राई कर ली है और बिल्कुल ऑयली नहीं बनी है। देखिए, तोड़ने से ही पता चल जाता है कि पूरी एकदम क्रिस्पी बनी है और ये पूरी को आप बनाकर 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अब जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था उसमें से 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी पिज़्ज़ा सॉस से आधा मेयोनीज लेना है, जिससे ये पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए 3/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 3/4 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/3 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, 50 ग्राम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ओरिगानो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह स्टफिंग में नमक हमें लास्ट में ही ऐड करना है, जिससे सब्जियों में से पानी नहीं छूटेगा। देखिए, स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम पिज़्ज़ा पूरी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले पूरी पे पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज मिक्स किया था वो स्प्रेड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी स्प्रेड कर सकते हो। और इसी तरह हम दूसरी पूरी पे भी
स्प्रेड कर देंगे। और दोनों पूरी में अच्छे से स्प्रेड हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग इस तरह हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए लगाएंगे, जिससे स्टफिंग गिरेगा नहीं। अब स्टफिंग के ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ ग्रेट कर देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ग्रेट कर सकते हो। अब इसे हमें बेक करना है। बेक करने के लिए कढ़ाई को मैंने गर्म कर दिया है और बीच में रिंग रख दी है। अब एक प्लेट में बटर पेपर रखकर चार पिज़्ज़ा पूरी को मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। 10 मिनट के बाद खोल देंगे। देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो भी स्प्रिंकल कर देंगे। एक पूरी मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। देखिए बेक करने के बाद भी ये पूरी बिल्कुल सॉगी नहीं होती है। पूरी की बेक साइड भी एकदम क्रिस्पी है और ऊपर से भी अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। तोड़ने से भी पता चल जाता है कि एकदम क्रिस्पी है। तो आप भी पिज़्ज़ा पूरी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद भी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।